दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ दिस बोल्ट ऑडियो प्रो बेस कर्व ब्लूटूथ हेडसेट और बताएंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, क्या क्या है इसके फीचर्स, कैसे रहेंगे इसके परफॉर्मेंस, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं learnabhi.com, हर दिन सीखो कुछ नया। अगर हम बॉक्स कंटेंट की बात करें तो इनसाइड द बॉक्स हमें देखने को मिल जाता है 1 ब्लूटूथ हेडसेट, इसके अलावा यहाँ पर मिलता है आपको 1 वारंटी कार्ड, 1 यूजर मैनुअल, 1 चार्जिंग केबल एंड एट द एंड आपको मिलते हैं कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स। दोस्तों ये है हमारा बोल्ट ऑडियो प्रो बेस कर्व ब्लूटूथ हेडसेट। अगर हम इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें, इट इज कम्प्लीटली मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड रबर और इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लगी। इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, आप देख सकते हैं बड़े आसानी से ये मुड़ भी जाता है। और जो केबल आपके ईयरफोन को आपके कानों तक पहुंचाता है, अगर हम उस केबल की बात करें तो ये काफ़ी पतला केबल यहाँ पे दिया हुआ है। आई विश इसकी क्वालिटी और थोड़ी बेहतर हो सकती थी। इसी के साथ साथ मुझे इस नेकबैंड का एक चीज़ अच्छा लगा, ये एडजस्टमेंट के साथ में आता है। आप देख सकते हैं वेरी इजीली अगर आप चाहो तो केबल को यहाँ से छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। बहुत सारे नेकबैंड में क्या होता है, केबल बहुत ही बड़े साइज़ के होते हैं तो बहुत ही झूल जाते हैं, देखने में उतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये जो नेकबैंड है केबल एडजस्टमेंट के साथ में आते हैं तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप वेरी इजीली इसको छोटा या फिर बड़ा कर पाओगे। इसी के साथ साथ अगर हम इसकी बटन्स की बात करें तो अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी बटन देखने को नहीं मिलता, बस यहाँ पे बोल्ट का ब्रांडिंग दिया हुआ है। सारे के सारे बटन आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही देखने को मिल जाती है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो यहाँ पे आपको मिलता है वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और सेंटर में दिया हुआ है मल्टी फंक्शन बटन, जिससे आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर पाएंगे। और ठीक इस हेडसेट के नीचे में दिया हुआ है 1 माइक्रो यूएसबी पोर्ट दैट विल हेल्प यू टू चार्ज दिस ब्लूटूथ हेडसेट। अगर हम इस ब्लूटूथ हेडसेट की ओवरऑल चार्जिंग टाइम की बात करें तो वो है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट चार्ज हो जाता है। और इसका बैटरी बैकअप मुझे काफ़ी सही लगा, वेरी इजीली आपको अप टू 12 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएंगे। मैंने कंटिन्यूअस 12 घंटे तक म्यूजिक प्ले करके रखा था एंड ये वेरी इजीली उतने समय तक चल जाता है, नो प्रॉब्लम ऑन डैट, बैटरी बैकअप इज रियली अमेजिंग। दोस्तों इस ब्लूटूथ हेडसेट का मुझे एक चीज बहुत ही अच्छा लगा, जो इसके ऊपर का ईयर कप्स दिया हुआ है, राइट, इट इज कम्प्लीटली मेड अप ऑफ मेटल, जो देखने में काफी यूनिक लगता है। इसका ऊपर में जो लोगो दिया हुआ है वो बहुत ही कूल लगता है। तो अगर आप एक स्टाइलिश हेडसेट लेने के बारे में सोच रहे हैं देन डेफिनेटली आप इस हेडसेट को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों इसमें जो ईयर कप्स आपको मिलता है इसमें मैग्नेटिक लॉक का सपोर्ट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं वेरी इजीली अगर चाहो तो भाई गाने सुनते सुनते गाने सुनने का मन नहीं है तो डायरेक्टली आप इसको इस तरह चिपका करके अपने गर्दन में लटका भी सकते हैं। और इसका जो मैग्नेट है काफ़ी अच्छी तरह से काम भी करता है, नो प्रॉब्लम ऑन डैट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पे कोई भी स्मार्ट मैग्नेटिक लॉक देखने को नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे हेडसेट है जिसको आप चिपका दोगे तो आपका हेडसेट से ऑडियो जो है, जो गाने बज रहे हैं वो खुद ब खुद पॉज हो जाएंगे, इनको अलग करोगे तो गाने खुद ब खुद प्ले हो जाते हैं। इस तरह का कोई भी फंक्शन आपको इस ब्लूटूथ हेडसेट में देखने को नहीं मिलती। अब चलिए एक झलक डालते हैं हम इस ब्लूटूथ हेडसेट की बाकी की फीचर्स की ओर। दोस्तों अगर आप वॉल्यूम आपको कुछ समय तक प्रेस करके रखते हैं तो नेक्स्ट ट्रैक प्ले हो जाता है, ठीक इसी तरह अगर आप वॉल्यूम डाउन को कुछ समय तक प्रेस करके रखते हैं तो प्रीवियस ट्रैक प्ले हो जाते हैं। अगर आप सेंट्रलाइज बटन को प्रेस करेंगे तो आपका ऑडियो जो है पॉज हो जाता है, प्ले हो जाता है, इजीली ये काम करता है। अगर आप इसको 3 सेकेंड्स तक कंटिन्यूसली प्रेस करके रखते हैं तो गूगल असिस्टेंट यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। अब दोस्तों इस नेकबैंड में कितना mm का ड्राइवर मिलता है, इसका ब्लूटूथ क्वालिटी कौन सा है, वर्जन कौन सा है, ये कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ है। फिर भी अगर आप मुझसे ब्लूटूथ रेंज पूछोगे तो मैक्स टू मैक्स आप एक कमरे से निकल करके दूसरे कमरे तक जा सकते हैं, वेरी इजीली कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं होगा। लेकिन उससे ज़्यादा आप ब्लूटूथ रेंज की उम्मीद मत कीजिएगा क्योंकि उतना इसका कवरेज नहीं है। आई थिंक इससे ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट नहीं होगा, अराउंड ब्लूटूथ 4.2 तक ये सपोर्ट करता होगा, क्योंकि ब्लूटूथ 5 रेंज वाले जो हेडसेट होते हैं उनके डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मेरा मानना है ये शायद ब्लूटूथ 4.0 या फिर 4.2 के साथ में ही आता है। दोस्तों अब आते हैं हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की ओर कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। दोस्तों इस ब्लूटूथ हेडसेट से हमने बहुत सारे गाने सुने हैं, मीडियम सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग एज वेल एज बहुत सारे अलग अलग तरह के म्यूजिक सुने हैं, यूट्यूब वीडियोस देखे हैं।
बट ओवरऑल अगर आप मेरी एक्सपीरियंस पूछेंगे तो भाई जो नॉर्मल सॉन्ग्स होते हैं मीडियम वॉल्यूम वाले या फिर ओल्ड सॉन्ग होते हैं वो सभी सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इससे बेस एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो इस पे बेस मुझे बहुत ही कमी लगा, बहुत ही एवरेज बेस दिया हुआ है। मैंने हाई बेस वाले गाने भी सुने, मतलब वो बेस का जो फील होता है वो आपको इस ब्लूटूथ हेडसेट में कम्प्लीटली मिसिंग लगेंगे। इसी के साथ साथ हमने इसका माइक को भी टेस्ट किया, तो अगर आप मान लीजिए बाइक वगैरह चला रहे हैं और आप उम्मीद करते हैं उस पर एटलीस्ट नॉइस कैंसलेशन माइक हो, ऑन डेट केस मैं आपको ये नेकबैंड बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो नेकबैंड है इस पर नॉइस कैंसलेशन का सपोर्ट नहीं है। अब आते हैं एक फाइनल कंक्लूजन की ओर, क्या ये नेकबैंड आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों फैक्ट इज़ वेरी सिंपल, अगर आप एक बेस लवर हैं एज वेल एज अगर आपको एक ऐसा हेडसेट चाहिए जिसपे नॉइस कैंसलेशन का माइक हो, ऑन डैट केस मैं आपको ये वाली नेकबैंड रेकमेंड नहीं करूंगा, डेफिनेटली आपको निराश होना ही पड़ेगा। इन द सेम टाइम अगर आप एक ऐसा नेकबैंड ढूंढ रहे हैं जो देखने में काफ़ी स्टाइलिश हो, बेटर बैटरी बैकअप हो, कानों में बहुत ही बढ़िया से एडजस्ट भी हो जाते हैं, ऑन डैट केस आप डेफिनेटली इस ब्लूटूथ हेडसेट के साथ में जा सकते हैं। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके मन में कुछ भी डाउट है तो नीचे में कमेंट में लिख के जरूर पूछिएगा, आपका भाई जवाब जरूर देगा। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप इस ब्लूटूथ हेडसेट को ऑनलाइन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो मेक श्योर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही बाय कीजिएगा, जहाँ से ये हेडसेट आपको सबसे सस्ते दाम में मिलेगी। इसी के साथ साथ थोड़ी सी सपोर्ट हमारे चैनल को भी हो जाएगी। चैनल वीडियो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन। Thanks for watching.